हम पांच। मक्खनपुर नामक राज्य में मिथिला नाम की एक औरत अपने पांच बेटों के साथ रहती थी। पांचों में अलग अलग गुण थे, क्योंकि ये बेटे भगवान की कृपा से उसके घर पर पैदा हुए थे। बड़ा बेटा था, वो बिजली से खेल सकता था। छोटा बेटा था, वो पानी को अपने वश में कर सकता था। वही मंझला बेटा काफी दर्द झेल सकता था। और चौथा बेटा अपनी सांस रोक सकता था। और पांचवा बेटा हवा में उड़ सकता था। पर वो देखने में एक जैसे थे, क्योंकि वो जुड़वा पैदा हुए थे, जिस वजह से कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता था। और मिथिला ने भी ये बात सभी से छुपा कर रखी थी कि उसके पांच बेटे हैं, क्योंकि हमेशा एक बेटा ही सभी के सामने आता था और सभी उसे ही जानते थे, जिसका नाम लाखन था। लाखन, अरे तुम सभी सो जाओ, क्योंकि तुम्हें रात में समुद्र से सीप भी तो लानी है, जिससे हमें मोती मिल सके। हाँ हाँ माँ, हम सो जाते हैं, आप चिंता मत कीजिए। अरे चिंता की क्या बात है, तुम पांचों तो मेरे पांच रत्न हो, और मुझे खुशी है कि हम सभी साथ हैं। हाँ माँ, और ऐसे ही हमेशा हम साथ रहेंगे, जिससे कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हाँ हाँ बेटो, अच्छा अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। इसके बाद वो सभी सो गए। आधी रात को सभी उठे और समुद्र में सीप पकड़ने के लिए नदी पर चले गए। अरे भाइयों, जब तक मैं समंदर का पानी अपने मुंह में करता हूँ, तब तक तुम लोग जल्दी जल्दी से सीप उठा लो। मैं सिर्फ 7 मिनट तक ऐसा कर सकता हूँ। हाँ हाँ भैया, हमें पता है, आपको रोजाना एक ही बात बताने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी से सारी सीप उठाकर ले आएंगे। ठीक है, अब जल्दी से जाओ, मैं पानी अपने मुंह में भर लेता हूँ। और इसके बाद रामू ने सारा पानी अपने मुंह के अंदर भर लिया। और इसके बाद उसके भाइयों ने जल्दी जल्दी सारी सीप उठा ली, और फिर वो बाहर आ गए। और फिर रामू ने सारा पानी छोड़ दिया। इसके बाद रामू ने कहा, आज सीप से मोती निकाल कर चंदन बेचने जाएगा। ठीक है भैया, आज मैं जाता हूँ। और इसके बाद चंदन बाजार में मोती बेचने गया। सभी मछुआरों के मोती बहुत ही छोटे थे, और बहुत को तो सीप मिलती भी नहीं थी। पर चंदन हमेशा बड़े बड़े मोती लाता था, और उसके मोती कुछ ही देर में बिक जाते थे, जिस वजह से मछुआरे परेशान रहते। जब उसके सारे मोती बिक गए, तो उसके पास सभी मछुआरे आए और उससे कहा, अरे भाई, तू इतने मोती कहाँ से ले आता है, हमें तो इतनी सीप मिलती ही नहीं है। हाँ, ये एकदम ठीक कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि तू जादू टोना जानता है, इसी वजह से तू इतनी सारी सीप ले आता है। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। अरे हमें गलतफहमी नहीं हुई है, हम क्या देखते नहीं है, तू रोज कितने बड़े बड़े मोती लाता है, जबकि हमारे मोती कितने छोटे होते हैं, और तेरे मोती हमसे जल्दी बिक भी जाते हैं, बता तू क्या करता है। हाँ भैया, मैं बताता हूँ, आप लोग कल रात नदी के पास आ जाना, मैं आपको भी इतने ही मोती दे दूंगा। और इसके बाद वो वहाँ से चला आया। घर पर आने पर चंदन ने अपने भाइयों को सारी बात बताई, तो उसके बड़े भाई रामू ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, कल मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम लोग घर पर ही रहना। इसके बाद रात के समय वहाँ पर सभी मछुआरे पहुँच गए, और रामू ने उन सभी से कहा, अच्छा मैं अपने अंदर इस समंदर का पानी ले लूंगा, पर मैं सिर्फ 7 मिनट के लिए ही ऐसा कर सकता हूँ। अगर तुम लोगों ने इतनी देर में सीप नहीं ली, तो मैं पानी को छोड़ दूंगा। अरे हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी से पानी अपने अंदर लो। इसके बाद रामू ने समंदर का सारा पानी अपने मुंह के अंदर ले लिया, और सभी मौका देखकर सीप चुनने लगे, पर उन्हें बहुत ज्यादा समय हो गया। रामू बार बार उन्हें बुला रहा था, पर कोई भी सुन नहीं रहा था, और हार कर उसने सारा पानी वापस समुद्र में छोड़ दिया। पानी के प्रभाव से वो सभी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, हम डूब रहे हैं, हमारी मदद करो, अरे बचाओ बचाओ, हम मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम डूब रहे हैं। हाँ, कोई तो बचाओ, इस रामू ने तो हमें मार डाला, बचाओ बचाओ। और कुछ ही देर में सारे मछुआरे डूबकर मर गए। जब ये बात महाराज को पता लगी,
तो मछुआरों के परिवार वाले रामू को पकड़कर महाराज के पास ले आए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने नदी में डुबाकर बहुत सारे लोगों को मार दिया है। नहीं नहीं मालिक, हमने चेतावनी दी थी कि मैं 7 मिनट से ज्यादा अपने मुंह के अंदर पानी नहीं रख सकता हूँ, पर इन्होंने मेरी चेतावनी मानी ही नहीं, इसी वजह से यह हादसा हो गया। मुझे कुछ नहीं पता है, तुमने लोगों को मारा है और इसकी सजा यह है कि अब तुम्हें भी नदी में डुबा कर मारा जाएगा। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो तुम हमें बताओ, हम वो जरूर पूरी करेंगे। हाँ हाँ मालिक, मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मैं अपनी मां से मिलकर आऊं। ठीक है, तुम जाओ, तुम्हें कल समंदर के पानी में डुबा कर मारा जाएगा। और इसके बाद रामू अपने घर पर आया और सारी बात बताई। इस पर चंदन ने उससे कहा, भाई आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन रामू समुद्र पर पहुंचा और इसके बाद राजा ने उससे कहा, अब तुम जाओ और जाकर इस समंदर में डूब जाओ। ये सुनकर रामू उस समुद्र में चला गया, पर समुद्र ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र उसका दास हो और वो उसी के इशारों पर चल रहा हो। ये देखकर सभी बहुत हैरान हुए। अरे ये क्या हो रहा है, रामू को तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है मानो समंदर उसकी बात मान रहा हो और वो उसे कुछ कर ही नहीं रहा हो। ये देखकर राजा भी काफी हैरान हुआ और रामू समुद्र से बाहर आ गया। रामू को सही सलामत देखकर राजा ने उससे कहा, अरे ये कैसे हो गया, तुम्हें समंदर ने डुबोया क्यों नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पर रामू चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहा। इस पर राजा ने कहा, ठीक है, कल तुम्हें करंट दिया जाएगा, तब देखते हैं तुम कैसे बचते हो। क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? हाँ हाँ मालिक, मुझे अपने घर माँ से मिलने जाना है, क्योंकि कल पूरी रात मेरी माँ बहुत रोई है। क्योंकि जब उन्हें पता लगा कि मैं मरने वाला हूँ तो उन्होंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। ठीक है, तुम जाओ, अब तुम्हें कल बिजली से करंट दिलवाया जाएगा। इसके बाद रामू घर पर आ जाता है और सारी बात बताता है। इस पर लाखन ने कहा, आप भैया चिंता मत कीजिए, कल मैं आपकी जगह पर जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो बिजली से कुछ होता ही नहीं है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए और फिर अगले दिन रामू की जगह पर लाखन वहां पहुंच गया। और उसके बाद जैसे ही लाखन को करंट लगाया गया, उसे कुछ नहीं हुआ, उल्टा उस व्यक्ति को करंट लग गया जो लाखन को करंट लगा रहा था। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इस बिजली के करंट से। आहा, धम ता धम ता धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन ता ता धिन ता धिन ता। आहा, ये देखकर लोग बहुत हैरान हुए। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर रामू को करंट क्यों नहीं लग रहा है। ये देखकर राजा भी बड़ा हैरान हुआ और इसके बाद लाखन वहां से आ गया। इस पर राजा ने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है, तुम्हें करंट क्यों नहीं लगा? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं महाराज, आपने खुद ही देख लिया कि बिजली ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। हाँ हाँ हाँ, ये तो मुझे भी पता है, ज्यादा चालाक मत बनो। अब तो मैं कल तुम्हें बताता हूँ, कल तुम्हें मार मार कर अधमरा कर दिया जाएगा, यानी कि तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी, तब देखते हैं तुम कैसे बच जाते हो। क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? हाँ महाराज, मैं फिर से अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इस वजह से मैं आखिरी बार उन्हें देखना चाहता हूँ। ठीक है, तुम जाओ, कल तुम्हारे 2 टुकड़े किए जाएंगे। इसके बाद लाखन घर पर आ जाता है और सारी बात अपने घर वालों को बताता है। इस पर चंदन ने कहा, भैया कल मैं आपकी जगह पर जाऊंगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मुझ पर मार का कोई असर नहीं होता है, ना ही मेरे टुकड़े हो सकते हैं, मैं बहुत ही मजबूत हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है। इसके बाद अगले दिन चंदन वहां पहुंच जाता है। उसके बाद जैसे ही एक आदमी चंदन के शरीर पर तलवार चलाता है, वो तलवार टूट जाती है, पर चंदन के शरीर को कुछ नहीं होता।
ये देखकर राजा बहुत हैरान हुआ कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। और फिर सबसे अंत में राजा कहता है, अब इसे जमीन में गाड़ दिया जाएगा जिससे ये जिंदा नहीं बच सकेगा। और इसके बाद राजा फिर उससे आखिरी इच्छा पूछता है और फिर से वो वही इच्छा बताता है। घर आने पर वो सारी बात अपने परिवार वालों को बताता है। इस पर रमेश कहता है, अब भैया मैं आपकी जगह पर जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत देर तक सांस रोक सकता हूँ। इसके बाद रमेश वहाँ पहुँच जाता है और उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है। इसके बाद सभी वहाँ से चले आते हैं। जब रात होती है तो मिथिला अपने चारों लड़कों को लेकर वहाँ जाती है और जमीन खोदकर रमेश को बाहर निकाल लेती है और उनसे कहती है, अब हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे, हम दूसरे गाँव में जाकर रहेंगे। इसके बाद पांचवा बेटा उन पांचों को एक बड़ी सी पोटली में रखता है और अपने कंधे पर बिठाकर उन्हें उड़ा ले जाता है और वो लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं।